Hello friends, welcome to my channel. तो आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट की सिंपल चटनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल और इजी पीनट्स चटनी, जिसके लिए हमने लिया है 50 ग्राम्स के करीब पीनट्स। ओनियन लिया है जिसे हम हाफ कट करेंगे, इतना बड़ा ओनियन नहीं चाहिए हमें, हाफ कट करेंगे। हाफ टीस्पून सॉल्ट या टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लेंगे। दो लाल मिर्च लेंगे। पहले हम पीनट्स को भून लेंगे तवे पे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तवा को हम पहले गर्म कर लेंगे, उसके बाद इस पे पीनट्स डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इस पे पीनट्स डाल देते हैं। इस पे दो सूखी लाल मिर्च जो हमने लिया था उसे भी डाल देंगे और इसे चमचे से ऐसे चलाते रहेंगे, हाई फ्लेम पे इसे भून ले। इसे भूनते वक्त कोई ऑयल की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही इसे भूनते रहे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। बस इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि पीनट्स हमारी जले ना, ओनली ब्राउन होना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पीनट्स रेडी है चटनी बनाने के लिए। इसे ज्यादा ना पकाए, इसे ज्यादा ना भूने। मिर्ची भी पक चुकी है, इससे ज्यादा पकेंगी तो जल जाएंगी। इतना ही तक रहने दें, गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब तक पीनट्स ठंडा हो रही है तब तक हम प्याज काट लेते हैं। ये देखिए, हमने प्याज हाफ कट कर लिया है, ओनली हाफ ही कट कर, हाफ ही देंगे प्याज, इससे ज्यादा ना दें। दो तीन मिनट बाद हमारी पीनट्स भी ठंडी हो चुकी है। चलिए अब चटनी बनाने की तरफ चलते हैं। जार में पहले हम पीनट्स और मिर्ची, जिसे हमने भूना है अभी, वो डाल देंगे। अब हाफ कटा हुआ प्याज डाल दें। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दें। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। जार को बंद करें और इसे ग्राइंड कर लें। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे चला लेंगे। ये देखिए, हमारी पीनट चटनी रेडी है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पीनट चटनी बिल्कुल रेडी है। इसमें कोई तड़के की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही सर्व करें। अगर आप इसमें तेल मिलाना चाहते हैं तो सरसों का तेल ऐड कर सकते हैं, बट मैं तेल नहीं ऐड करूंगी, मैं ऐसे ही सर्व करूंगी। ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। आप इसको रोटी, पराठे, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपको वो जरूर पसंद आएगा, ये गारंटी है। आप एक बार इसे जरूर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके आगे जो बेल आइकन है उसे हिट करें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें फ्रेंड और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।